अर्थव्यवस्था में सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारी के बीच मोदी सरकार आज आम बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार 2.0 का यह दूसरा बजट होगा। सरकार के सामने तमाम चुनौतियों के बीच बजट ने इस बार मिडिल क्लास व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। GST लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। देश हमारी आर्थिक नीतियों पर भरोसा करता है। हम भविष्य में गांव को और रोजगार देंगे। उन्होंने बताया कि देश के 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की शुरुआत की गई है। रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनाए जाएंगे। तेजस जैसी नई ट्रेनों से पर्यटन स्थल को जोड़ा जाएगा। 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने का प्लान है। 48 किलोमीटर बंगलुरु उपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा। इस पर कुल 18,600 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें 25% केंद्र सरकार देगी। उन्होंने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे इंफ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस बजट में रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है। वहीं निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया। इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत होगी। नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन का ऐलान किया। परिवहन के लिए 1.7 लाख करोड़ का ऐलान किया है। 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी। रीन्यूएबल एनर्जी के लिए 22,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने पर जोर दिया जाएगा। वहीं भारत नेट कार्यक्रम को 6,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साइबर सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। स्कूलों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। वहीं 5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिम्ड यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। शोध के लिए म्यूजियम बनाए जाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।